अपनी सुविधा देने की बात करते हैं उसमें एक आध बात सच हो सकती है जो मुझे स्वयं पता नहीं, परंतु रामपाल एक ऐसी प्रभावशाली व्यक्ति है कि सचमुच वो दुनिया को, दुखियों को, अनाथों को, असहायों को, जो बड़े से बड़े घातक अपराधियों के शिकंजे में आ चुका है, यहां तक इतने घातक अपराधी अभी भारत में धर्म के नाम पर विद्यमान है कि बड़े से बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी शायद उनसे नहीं बच सकते, उनके शिकंजे में उनसे छूटना मुश्किल है। तो रामपाल की ऐसी मजबूत संस्था है कि वो ये सब उनको दूर कर रहा है, उस दूर को करते चले जा रहे हैं और लोगों को उसके मजबूत आश्रय मिल रहा है। और आज नहीं तो कल सत को स्वीकार, मैं एक सन्यासी हूं सत बात है, और मैं एक अनुभव 48 वर्ष का पक्का अनुभव है कि जितने भी धार्मिक संस्थाएं, कुछ तो बहुत दयालु संस्था, ये सत्य दो मत नहीं है, जैसे राधा स्वामी भारत में बहुत दयालु है पर वो कमजोर और चेतन है, कमजोर है पर चेतन है, पर वो समर्थ नहीं है समाज को मजबूती से आश्रय दे सके। उनमें अपराधी 50 वर्ष पहले ही घुस गए, देश में एक ऐसा प्रचंड गिरोह है जो जिसके जिसके पग धर्म के अंदर है, और धर्म के कितने आडंबरों में उन लोगों को फंसाता है जो कि बिल्कुल व्यर्थ है, गया गुजरा, बिल्कुल जिसके कुछ दम नहीं, जिसमें जिसमें कोई बात करने की कला नहीं, सब उसको पकड़ता, उसको सर्वोच्च पद देता है, या तो उन शैतानों को पकड़ता जो अपने स्वार्थ के लिए लाखों की हत्या करने को समर्थ है, कर सकता है, उनको वो बड़ा पद देते हैं। और वे क्या करते हैं, गरीबों को शोषण करते, मैं तेरे को ये दूंगा, मैं तेरे को वो दूंगा, मैं तेरे ये भला कर दूंगा, कई रूपों में, कम से कम लाखों संस्थाओं में वो व्यापक है, और उसका सबसे पहले है अच्छे लोगों को समाप्त करना, पर कुछ जिस पर प्रभु कृपा होती है, और जो रामपाल जैसे व्यक्ति की बात सुनते हैं वो अभय होगा, अभयम स्वरूप वह अभय होता है, इसलिए कमजोर का काम नहीं है ये, सत पर चलना, सत पर बोलना, सत पर टिका रहना।